तो गाइस आप कैसे हो, मैं हूं नोनो रिटेल अनलाइन चैनल पर आप लोग का एक बार स्वागत। तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं वाइज मनी का पैन कार्ड वर्सेस जो हमारे यूटीआई का ऑफिशियल पैन कार्ड है, इन दोनों के बारे में जो भी डिफरेंस है वो और एक बार हम बात करेंगे आज में कि किस में आप लोग अगर पैन कार्ड करोगे तो आपका ज्यादा प्रॉफिट रहेगा, कौन सा वेबसाइट में अगर पैन कार्ड करोगे तो आपका पैन कार्ड सबसे फास्ट रहेगा, कौन सी जगह पर पैन कार्ड करोगे तो सबसे ज्यादा आपका सबसे कम कॉस्ट पर आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो, जो भी कौन सा जगह पर ज्यादा प्रॉब्लम आता है, पैसा पेंडिंग हो जाते, फंस जाते, वो सारा चीजें हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो अगर आप लोग पैन कार्ड का बिजनेस करते हो या करना चाहते हो, दोनों के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लोग जरूर अंत तक देखना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले बात तो देखो, वाइज मनी का जो पैन कार्ड अप्लाई होते हैं वो भी यूटीआई से होते हैं, हमारे जो ऑफिशियल यूटीआई आईडी होते हैं वो भी यूटीआई से पैन कार्ड होते हैं, क्योंकि पैन कार्ड का दो कंपनी है, एक तो एनएसडीएल दूसरा यूटीआई। देखो एनएसडीएल के बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करते, हम जितनी भी बात करते वो यूटीआई को लेकर ही बात करते, क्योंकि मेरे 3 साल का एक्सपीरियंस है यूटीआई को लेकर, तो यूटीआई के बारे में मुझे बहुत कुछ पता है, बट एनएसडीएल के बारे में मुझे उतना कुछ पता नहीं। मैं कुछ दिन एक वेबसाइट पर काम कर रहा हूँ एनएसडीएल का, तो अगर अच्छा लग रहा है उसके बारे में वीडियो आएगा, बहुत ही जल्द से जल्द आएगा। अगर आप वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी दबा लो। ओके तो देखो सबसे पहली बात एंड सबसे मेन जो चीज है, प्रॉब्लम कहाँ पर आ चाहिए, वाइज मनी पर या यूटीआई का जो ऑफिशियल आईडी वहाँ पर प्रॉब्लम आते हैं। तो नॉर्मली प्रॉब्लम वाइज मनी का जो यूटीआई है यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाते, कौन सा प्रॉब्लम आ जाते इंपॉर्टेंट बात है, बात को जरूर सुनना। देखो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आ जाते यहाँ पर, अगर कस्टमर का कुछ भी आप एंट्री कर दोगे, कस्टमर का कुछ भी चीज आप एंट्री कर दोगे तो वहाँ पर आप लोगों को करेक्शन करने का ज्यादा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा यहाँ पर पैसा फंस जाता कि कुछ चीज अगर आपने अगर पेमेंट टाइम फेल्ड हो गया वगैरह, तो पेमेंट आने में लगभग 3-4 दिन, किसी टाइम 1 दिन पर आता है, किसी टाइम 4-5 दिन टाइम ले लेते। बट जो यूटीआई का ऑफिशियल आईडी हम लोग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर आप लोगों को किसी भी टाइप का पैसा फंसने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम कूपन पर्चेस सिस्टम है, एंड कूपन पर्चेस सिस्टम में एक बहुत ही बेहतरीन चीज है कि जब तक आपका पैन कार्ड आप पी फॉर्म अच्छे से कारक से मतलब थंबनेल नहीं करोगे तब तक आपका पैसा नहीं कटेगा। क्योंकि मान लो कस्टमर का आधार में कुछ दिक्कत है, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो सकते, अगर दिक्कत है तो पैन कार्ड अप्लाई नहीं होगा, और अप्लाई नहीं होगा तो पैसा नहीं कटेगा। बट पाइस मनी बोलो, सीएससी बोलो, जो जहां पर यूटीआई का और अप्लाई होता है वहां पर क्या होता है ना, पैसा कट जाते, पैसा कटने के बाद वो पैसा फिर से रिफंड आते, बट रिफंड आने में टाइम लग जाते, बट यहाँ पर रिफंड का वगैरह का कोई चक्कर नहीं, ये सबसे जो मेन चीज मेरे को लगा है। दूसरा जो करेक्शन को लेकर बताए, आप लोग यूटीआई ऑफिशियल से हम लोग जो आईडी प्रोवाइड करते इस आईडी से अगर पी फॉर्म जो मेन होता है, जो पैन कार्ड के ऊपर में लिखा रहते हैं कस्टमर का नेम, आप आधार नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सबसे मेन चीज होता है, ये पी फॉर्म पर एंट्री होता है, तो पी फॉर्म एंट्री के टाइम अगर कुछ गलत हो गया तो हम एडिट पी फॉर्म कर सकते, अगर किसी वजह से एडिट पी फॉर्म नहीं होते तो वो जो कूपन है उसको हम रिकवर कर सकते, उस कूपन को हम कैंसिल कर सकते, रिफंड कर सकते। बट ये चीज नॉर्मली सीएससी से भी बोलो या पाइस मनी से बोलो तो वहाँ पर क्या है, वो नेक्स्ट डे ऑब्जेक्शन में आ जाते, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्शन उसको हमें क्लियर करना पड़ता है, तो इसमें क्या होता है हमें 1 दिन का टाइम लग जाता, जो कि यूटीआई ऑफिशियल पर आप इंस्टेंटली इस काम को कर सकते, जो मुझे सबसे मेन चीज लगते है। आप बात करते हैं यहाँ पर जो खर्चा किसमें ज्यादा आता है, देखो पाइस मनी से 160 रुपीज का एक पैन कार्ड का खर्चा आ जाते, जो कि अगर आप लोग हमसे आईडी परचेस करोगे तो वहाँ पर 99 रुपीज पर एक पैन कार्ड का खर्चा आएगा आप लोगों में से, नॉर्मली 99 रुपीज, अगर डिस्ट्रीब्यूटर लोगे तो 98 रुपीज पर हो जाएगा, नॉर्मली सीएससी की बात करें तो वहाँ पर 97 रुपीज पर हो जाते, बट सीएससी बहुत सारे लोगों के पास नहीं है तो उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत कम्पेयर तो करेंगे। ओके बट इसके बाद हम आ जाते कि किस में जल्द से जल्द पैन कार्ड आ जाते, तो नॉर्मली बताओ तो दोनों यूटीआई का है तो दोनों में जो पैन कार्ड आ जाते वो लगभग 5 से 7 दिन के अंदर आ जाते, नॉर्मली 5 दिन के अंदर ही आ जाते, तो नॉर्मली 5 से 7 दिन तक आप आराम से पकड़ सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप क्या है, दोनों में आप लोगों को बाय पोस्ट सेंड करना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल रहते हैं उसको बाय पोस्ट आप लोगों को भेजना ही पड़ेगा, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होता है और दोनों में आप लोगों को सेंड करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी चीज है। मैं हर बार रिकमेंड करूंगा जब भी आपके पास थोड़ा बहुत जमा हो जाए उसको बाय पोस्ट आप ट्रांसफर कर दो, मतलब आप लोग पोस्ट ऑफिस में जाके जो एड्रेस है उस एड्रेस पर आप नियरेस्ट जो भी यूटीआई ऑफिस है वहाँ पर आप लोग सेंड कर दो, ये बहुत ही चीज है। बाकी देखो जो भी डिटेल्स मेरे को लगा कि जो नॉर्मली पाइस मनी वगैरह सब कुछ बहुत बेहतरीन, पैन कार्ड वहाँ पर भी अप्लाई होता है, वहाँ पर भी अप्लाई प्रोसेस बहुत ही अच्छे, लगभग सब कुछ सेम ही रह जाते हैं, बट वहाँ पर क्या है ना, पेमेंट को लेकर थोड़ा सा दिक्कत है, खर्चा थोड़ा सा ज्यादा है, साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज है कि वहाँ पर आप मतलब इंस्टेंट एडिट नहीं कर सकते, नेक्स्ट डे ऑब्जेक्शन आएगा उसके बाद ऑब्जेक्शन क्लियर करना पड़ता है, तो एक नॉर्मल से चीज है। बट यूटीआई पर ऐसे नहीं है, जब आपका पैन कार्ड हो जाएगा तभी यहाँ पर कूपन कट जाते, यहाँ पर कूपन को लेकर कोई दिक्कत नहीं था, और अभी
कूपन परचेज भी बहुत ही आसान हो चुका है। आप अपने फोन पे गूगल पे से इंस्टेंट कूपन परचेज कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से आप कूपन परचेज कर सकते हो और इंस्टेंट आपका कूपन भी आ जाते और इंस्टेंट आप अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही बेहतर। तो अगर आप लोग रिटेलर आईडी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बिल्कुल फ्री में, कोई भी पैसा आप लोगों को से नहीं लगेगा। आप लोग अगर रिटेलर आईडी लेना चाहो, बट आप लोग जब भी रिटेलर आईडी लोगे मिनिमम आपको 2 कूपन परचेज करना पड़ेगा जब भी आपका आईडी हो जाएगा तब। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लोगे तो यहाँ पर 100 रुपीज का चार्ज आप लोगों से लगेगा, बट यहाँ पर आप लोग कोई जो भी मर्जी आप काम कर सकते हो, आप अपने अंदर अनलिमिटेड रिटेलर कर सकते हो। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, साथ में वीडियो के नीचे भी नंबर आप देख सकते हो। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए, आप लोगों को आईडी मिल जाएगा, जो भी डिटेल्स है आप लोगों को वहाँ पर बताया जाएगा और आप लोग आईडी ले सकते हो। आईडी लेकर अच्छा खासा काम करो। जो लोग ऑलरेडी आईडी ले चुके, आप लोग जिनमें जो भी लोग बहुत सारे लोग आप में से आईडी ले चुके, आप लोग जानते हो सपोर्ट हम कितने बढ़िया तरीके से देते, तो सपोर्ट को लेकर कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप लोग अगर पैन कार्ड का काम करना चाहते हो तो जरूर आप लोग आईडी ले लेना। अगर किसी आदर्श आईडी लेकर काम कर रहे हो पैन कार्ड, तो आप लोग एक यूटीआई के जो ऑफिशियल आईडी इसको लेकर एक बार काम करके देखो। अगर अच्छा ना लगे तो काम बिल्कुल भी मत करना। तो जो भी डिटेल्स था शायद मैंने बताया, मिस होगा तो माफ कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जन मात्र थैंक यू बाय।